सो गाइस ये है नर्मदा, एक बार देख लीजिए। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं मेरे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। गाइस बहुत अद्भुत दर्शन थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस इस व्लॉग में आपको लेके जाने वाला हूँ उज्जैन से ओमकारेश्वर। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, बस आपको कहाँ से मिलेगी, टैक्सी कितने की होगी, मंदिर में दोस्तों दर्शन करने कितना टाइम लगेगा, कितना दोस्तों वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है हमारे को, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है, तो उस व्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं एसबीटीज स्टोरी। सो गाइस देख लीजिए ये है राज टूर एंड ट्रेवल्स, यहीं से जो आपको बस भी मिल जाएगी और टैक्सी भी मिल जाएगी। ये देख लीजिए भैया यही खड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी बस 450 रुपये, नॉन एसी बस 400 रुपये, और सारी सीटें मिल जाएगी, डिजायर मिल जाएगी और आर्टिका मिल जाएगी। और देख लीजिए टम्पोटा मिलेगा 14 सीटर, 17 सीटर, 20 सीटर, 26 सीटर, ये सब मिल जाएगी दोस्तों आपको यहाँ पर। और दोस्तों हमने जो है आर्टिका करी है विदेशी में, तो हमारे को जो हो पड़ी है 3200 रुपये की, 3200 रुपये की। तो अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बुक, और नंबर दोस्तों मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, तो आप यहाँ से बुक से कर सकते हैं। और लोकेशन दोस्तों ये देख लीजिए सामने, ये है क्या नाम है महाकाल चौक थोड़ा सा आगे आएंगे यहीं पे ये दुकान है, तो आपको यहाँ पर सब प्रकार की आपको टैक्सी मिल जाएगी दोस्तों। ये गाड़ी देख लीजिए अर्टिका, इस वाली कार में हम जाने वाले हैं। चलिए बैठते हैं फिर। दोस्तों अभी यहाँ रुके हैं हम पेट्रोल भरवाने के लिए। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी है 150 किलोमीटर की और टाइम लगता है दोस्तों 4 घंटे। अभी जो दोस्तों हम जो है 70 से 80 किलोमीटर आ चुके हैं, थोड़ा सा और आ रहा है दोस्तों, एक से डेढ़ घंटा हमें लगने वाला है ओमकारेश्वर पहुँचने में। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। गाइस हम वहाँ से उज्जैन 9:30 बजे चले थे और अभी टाइम है दोस्तों 1:30 बजे, टोटल 4 घंटे लगे। चलते उस पार चलते हैं, करते हैं दर्शन। सो गाइस ये है नर्मदा, एक बार देख लीजिए वो सामने ओमकारेश्वर मंदिर वहाँ पर। और दोस्तों अभी जो है फिलहाल यहाँ बोटिंग बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी ज़्यादा है, ओवरफ्लो पानी है यहाँ पर, तो सारी बोटिंग जो है बंद कर रखी है। अब वो सामने पुल दिख रहे हैं, हमें उसी से जाना पड़ेगा ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं फिर, करते दर्शन ओमकारेश्वर मंदिर के। ये है नर्मदा रिवर दोस्तों। आ चुके हैं हम पुल पे, ये देख लीजिए बोटिंग बंद है इसलिए पुल से जाना पड़ता है, अगर बोटिंग खुली होती तो बोट जाते दोस्तों। बोटिंग का जो क्या है डैम जो है खुला हुआ है, वो सामने देख लीजिए ये डैम खुला हुआ है, इसके कारण दोस्तों बोटिंग बंद कर रखी है। जैसे नर्मदा डैम है ये है उसका पुल। तो दोस्तों लाइन में लग चुके हैं, लाइन थोड़ी सी लंबी है, बोल रहे 2 घंटे में नंबर आएगा। गर्मी भी आप बहुत ज़्यादा है, और दोस्तों
मैं आपसे बात बताना भूल गया, ये जो अपना ओंकारेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंग से दोस्तों फोर्थ नंबर का ज्योतिर्लिंग है, और दोस्तों जो थर्ड नंबर पे वो है अपना उज्जैन महाकालेश्वर। देखिए इस तरफ भी जाना है, आप पीछे देखिए, तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके दर्शन के, सामने है ओमकार से ज्योतिर्लिंग। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं मेरे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, गाइस बहुत अद्भुत दर्शन थे, गाइस आपने देखा होगा बहुत भीड़ थी, बहुत सफोकेशन थी दोस्तों अंदर। 2 बजे दोस्तों हम लाइन में लगे थे, 4 बजे हमारा नंबर आया, 2 घंटे दोस्तों हमारे जो है लाइन में लगे। कहते हैं कि ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं, तभी जो आपकी ये जो यात्रा है, ये जो दर्शन है वो पूरे होते हैं। तो चलिए चलते हैं ममलेश्वर महादेव। दोस्तों ये पुल का रास्ता है, नए वाले पुल का रास्ता है, यहाँ से आप आगे आएंगे और इस तरफ आपको मिल जाएगा, देख लीजिए ममलेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं करते दर्शन ममलेश्वर महादेव के। तो गाइस हो चुके हैं दर्शन हमारे ममलेश्वर महादेव के, दोस्तों अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, जितना हो सका मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते दोस्तों उज्जैन, आपको मैं वहीं मिलूंगा। सो गाइस ये था ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गाइस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ओंकारेश्वर से जुड़ी। दोस्तों जब भी आप ओंकारेश्वर आए तो ममलेश्वर जरूर जाए, क्योंकि उसके बगैर आपकी जो है ओंकारेश्वर की यात्रा पूरी नहीं होगी। गाइस मैं आ चुका हूँ अभी स्टेशन पे, गाइस उस टाइम मैंने ये ब्लॉग एंड नहीं करा था क्योंकि जो मेरी फोन की बैटरी है वो खत्म हो गई थी। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग करते हैं एंड, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।